Good morning, student. In the previous video, we have discussed about the noun, and we have divided the noun into two parts: countable noun and uncountable noun. And we have subdivided the countable and uncountable. So, in the countable, there is three type of noun: proper, common, and collective. And the uncountable, we have divided into two parts: material and abstract. Okay. So we have talked about the proper noun, common noun, collective noun, and material noun. So at the last, we have only left only one type of noun, that is abstract noun. So today we discuss about the abstract noun. What's the abstract noun? First of all, we revise something new. First one is countable. Countable means which we count easily. ठीक है, जिसे हम अच्छे से count कर सकते हैं वो countable noun है आपकी. अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है. देन वी डिवाइडेड द काउंटेबल नाउन इनटू थ्री पार्ट्स: प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव. कलेक्टिव, ठीक है, इट्स अ कलेक्टिव. सो प्रॉपर नाउन, वी कैन से द नाउन विच वी डिनोट्स द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग. सो इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन, दैट डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग एंड कॉमन प्लेस. सो दैट इज द कॉमन नाउन. In the collective noun, we have seen something which we collect something. Okay, when we talk about the group of people, group of things, and group of some places, so that's noun is collective noun. And now is material noun. When we talk about some metal like gold, water, silver, okay, so these things are the material noun. At the last, we have talked about the abstract noun. Abstract noun के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये क्रिकेट था, यानी कि थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी इसके लिए तैयार है, इसके लिए थोड़ा रिविजन है. तो आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए बी एस टी आर ए सी टी. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन वी शेयर सम फीलिंग, सम कंडीशन, सम क्वालिटी. सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, द नाउन, the noun which denotes quality, which denotes quality, condition, and feelings. So this one is called abstract noun. Okay, so jo क्वालिटी बताए, फीलिंग्स बताए, एन एक्शन को बताए, तो वो क्या होगी? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी. ठीक है, जिसमें किसकी बात हो जाए? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, फीलिंग्स एंड एक्शन. सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स कम इन द एब्स्ट्रैक्ट. इफ यू टेक एन एग्जांपल, सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, सो द वर्ड्स विच वी डिनोट्स द क्वालिटी वर्ड्स, सो वी कैन से the honest. Okay, this one is also the quality. And wisdom. So these words are some quality words. Is it clear? These words are some quality words. Condition. If we talk about the condition, so condition is sadness, happiness. Okay, so these are some example of abstract noun. One more is action, like judgment. Okay, race. So these type of verbs is abstract noun. Okay, so again the noun which denotes quality, ऐसी noun जो ऐसा word जो किसको बताए, quality को बताए, condition को बताए, feelings को बताए, action को बताए. So ये सारे words अगर आते हैं तो आपका क्या होगा, वो noun कौन सी हो जाएगी? Abstract noun हो जाएगी. ठीक है, क्वालिटी में हमने देखा ऑनेस्टी हो सकती है, विजडम हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है. देयर आर सो मच ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू द क्वालिटी, है ना, अवर्डनेस हो सकती है. सो ये सारे जो वर्ड होंगे वो किस में आएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे.
इज इट क्लियर. सेकंड इज कंडीशन. कंडीशन हैप्पीनेस की भी हो सकती है, सैडनेस की भी हो सकती है, इलनेस भी हो सकती है. सो दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये अगर वर्ड आएंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड से. ओके क्लियर था ना. तो अब ये जो यहाँ पर जो है वो नाउन का सेशन आपका कंप्लीट होता है, जहां पर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा था कि टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में. देन काउंटेबल नाउन हमने डिवाइड कर दी थी प्रॉपर में और कॉमन में और कलेक्टिव में. ओके एंड अनकाउंटेबल हमने कर दी थी किस में, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट. सो दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज पार्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल मतलब हम नहीं जान सकते कि कितना परसेंट ऑनेस्टी है, है ना. ऑनेस्टी की कोई क्वांटिटी नहीं बता सकते कि कितने हैं. तो दैट्स व्हाई ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसमें आ जाती है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाती है. क्लियर है. तो इतना ही आप टेस्ट फिर भी प्रिपेयर करेंगे जितना भी पढ़ाया है, और अगर आपको दोबारा देखनी है तो आप लिंक में भी देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो को प्ले करके आराम से इन चीजों को दोबारा रिप्ले कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि इसको रिवाइज कर सकते हैं.